हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द थ्राइव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं एक और चैप्टर के बारे में जो कि ऑब्लिगेशन का ही पार्ट है। आपको पता है काफ़ी लंबे समय से हम ऑब्लिगेशन के कुछ पार्ट कराते आ रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ रहा था। आज मैं इसी का फ्यूचर वर्जन करा रहा हूँ, यानी कि पढ़ रहा होगा कि हम तो सारे यहाँ पर आ गए, घर का सारा काम उसे करना पड़ रहा होगा, सफाई करनी पड़ रही होगी, पोछा मारना पड़ रहा होगा। इस तरह के जो वाक्य बनते हैं वो इस तरह के वाक्य से बनते हैं। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हैं, मैं डायरेक्ट मेन पॉइंट्स पे आता हूँ। इसका चैप्टर जो है फ्यूचर हैविंग टू, उसको हम कहेंगे क्योंकि फ्यूचर का पार्ट है फ्यूचर हैविंग टू। और जो साउंड होता है वो आता है पढ़ रहा होगा, जैसे उसका घर का काम का सारा काम करना पड़ रहा होगा, सफाई करनी पड़ रही होगी, इस तरह के वाक्य मैंने बताए। तो पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, पढ़ रहे होंगे, इस तरह का साउंड इसमें आता है। तो बात करते हैं इसके रूल की। इसका रूल बड़ा ईजी सा है, सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल, प्लस में बी, प्लस में हैविंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट, प्लस में विल या शैल, प्लस में नॉट बी, प्लस में हैविंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जब भी फ्यूचर की बात आती है तो ये सभी जानते हैं कि विल या शैल का इस्तेमाल करा जाता है। ये सबको पता है कि फ्यूचर में विल या शैल आता है। विल या शैल में आई वी में शैल लगता है, बाकी समय विल लगता है। विल अगर हम कुछ सेंटेंस को ऑर्डर रिक्वेस्ट फोर्स में डिफाइन करना चाहते तो विल या शैल को भी बदला जा सकता है। ये सबको पता है तकरीबन। लेकिन इसमें मेन पॉइंट आता है बी वाला, कि बी क्यों जोड़ा हमने इसके अंदर। देखिए, विल या शैल जो होता है वो गा का साउंड तो निकाल सकता है। जब भी आप बोलेंगे जाऊंगा, खाऊंगा, खेलूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, इस तरह के कोई भी वाक्य को बोलना है तो आप विल या शैल लगा के इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। आई विल गो, आई विल प्ले, शी विल गो, शी विल प्ले, आई विल ईट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी सेंटेंस में हो का साउंड आता है ना, तो आप ध्यान से देखना कि सेंटेंस के अंदर गागी का साउंड तो आ सकता है पर हो का साउंड नहीं होता। जैसे कि इसमें लिखा है उसे घर का सारा काम करना पड़ रहा होगा, जाना पड़ रहा होगा, आना पड़ रहा होगा, तो हो का जो साउंड आ रहा है ना वो इसमें नहीं होता। इसलिए फ्यूचर में विल या शैल के अलावा बी को जोड़ा जाता है ताकि हो का साउंड प्रोड्यूस हो सके या बन सके। बात समझे? तो आई होप बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। बी को लगाने की वजह यही होती है ताकि हो का साउंड आ सके। तो जो मैं आपको चैप्टर कराने वाला हूँ उसमें होगा साउंड भी है गा के साथ। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं कहता हूँ मुझे घर का सारा काम करना पड़ रहा होगा, तो रूल के हिसाब से आई विल आई के साथ शैल भी लगता है, विल भी लगता है। वैसे तो आई वी में शैल का, आई के साथ शैल का इस्तेमाल ही होता है, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूँगा कि जनरली स्पीकिंग में इसका इस्तेमाल अब तकरीबन खत्म हो चुका है। आप सब इस विल का इस्तेमाल ही करते हैं। अगर किसी सेंटेंस को प्रभावी दिखाना हो, इम्पैक्टफुल दिखाना हो, ज़्यादा इम्प्रेसिव दिखाना हो, या मैं कहूँगा कि जरूरी दिखाना हो, तो वहाँ पे शैल का इस्तेमाल करते हैं आई वी के साथ। अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है इसकी, सब विल ही इस्तेमाल करते हैं, विल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम भी विल ही करेंगे, जनरली स्पीकिंग में यही चलता है। तो मैं कहूँगा मुझे कैसा कर सारा काम करना पड़ रहा होगा, तो आई विल बी हैविंग टू डू ऑल होम टास्क। नेगेटिव में अगर बोलूँ तो आई विल नॉट बी हैविंग टू डू ऑल होम टास्क। बहुत ईजी है ना, कितना ईजी सा है। अगर मैं इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करूँ तो क्या करना पड़ेगा, विल या शैल को पहले लगाना होगा। विल या शैल को पहले लगाएंगे, प्लस में सब्जेक्ट, बी प्लस में वर्ब हैविंग टू, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। और इसी को नेगेटिव में कर दूंगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो विल या शैल पहले आएंगे, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में बी, प्लस में हैविंग टू, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम आपको बनाना पड़े क्या वाले, तो हम इससे बना पाएंगे। जैसे कि क्या मुझे घर का सारा काम करना पड़ रहा होगा, तो विल आई बी हैविंग टू डू ऑल होम टास्क। या फिर नेगेटिव में विल आई नॉट बी हैविंग टू डू ऑल होम टास्क। और इसी में अगर हम डब्ल्यू शमली ऐड कर दें तो विल या शैल को पहले लगा देंगे, डब्ल्यू शमली को पहले लगा देंगे और फिर डब्ल्यू और फिर इंटरगेटिव जोड़ देंगे। तो मुझे घर का सारा काम क्यों करना पड़ रहा होगा, तो डब्ल्यू शमली का वर्ड मान लीजिए, मैंने बोला क्यों, क्यों यानी वाई, तो वाई विल आई बी हैविंग टू डू ऑल होम टास्क। नेगेटिव में वाई विल आई नॉट बी हैविंग टू डू ऑल होम टास्क। तो डब्ल्यू शमली हमेशा इंटरगेटिव से पहले लग जाते हैं, वाई वेयर वैन विद हुम एट अ टाइम जैसे वाक्य को आपको जोड़ना है और आगे इंटरगेटिव को लगा देना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए छोटा सा टेस्ट लेते हैं, बहुत दिन हुआ कभी हमने टेस्ट नहीं लिया काफ़ी लंबे समय से, तो टेस्ट लेते हैं। मान लीजिए मुझे बोलना पड़े तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। बनाइए जरा, सोचिए। ठीक है, अगर आप में से किसी ने भी सेंटेंस के अंदर विल बी हैविंग टू लगाया है तो मैं बताना चाहूँगा आपने गलत बनाया है, क्योंकि मैंने बोला है तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा, तो ये जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उससे बनेगा यू विल हैव टू स्टे हेयर। लेकिन अगर मैं इस वाक्य के अकॉर्डिंग बनाता हूँ तो यहाँ हिंदी वाक्य बदलेगा, तो ये होगा तुम्हें उसे यहाँ रुकना पड़ रहा होगा, उसे यहाँ रुकना पड़ रहा होगा, तुम्हें यहाँ रुकना पड़ रहा होगा, इस तरह वाक्य आएंगे। तो अगर मैं कहता तुम्हें यहाँ रुकना पड़ रहा होगा तो यू विल बी हैविंग टू स्टे हेयर, इस तरह से बनेगा। अगर आप लोगों ने ये वाक्य सही बनाया था तो बहुत अच्छा है, शाबाश, बहुत बढ़िया, आप प्रैक्टिस करते रहें, ये क्लियर होगा। और अगर आपने नहीं गलत बनाया था तो आप जरा दोबारा समझिए, पढ़ेगा और पढ़ रहा होगा दोनों अलग अलग साउंड है, तो साउंड के हिसाब से रूल भी बदलते हैं।
तो ये है थी आपकी आज की क्लास, आई होप आपको क्लियर हुई होगी। और अगर आपको क्लियर है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और इस बेल आइकन को भी दबा दें प्लीज़, ताकि आपको नई जो नई नई वीडियो हैं, अपडेटेड वीडियो, वो आपको मिलती रहे, जानने को देख सीखने को भी मिलती रहे। और आप इस तरह जुड़े रहिए हमसे, हम नई नई सिलेबस लाते रहेंगे और आपको नई नई चीज़ सिखाते जाएंगे। आई होप आप हमसे जुड़े रहेंगे और जल्दी से नई क्लास के मिलते हैं दोबारा से। जब तक के लिए बाय बाय।